हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उबैस आलम, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था और डायरेक्ट पर्सनली टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर लोगों ने जाकर क्वेरी पूछी कि यूपी के अंदर कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेजेस हैं, उनके अंदर क्या फ़ीस रहती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये देखना है कि कौन कौन से कॉलेजेस उनको चॉइस फिलिंग में रखने हैं और कौन से नहीं। तो उसमें सबसे पहले आप इन बातों का खास ध्यान रखें, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो उस कॉलेज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, खुद का पूरा एक नॉलेज होनी चाहिए, वो कॉलेज कैसा है, उसकी फ़ीस कितनी है, कहाँ पर है और क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसी है, उसके अंदर हॉस्पिटल का पेशेंट इनफ्लो कैसा है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा रहता है कि वहाँ पर कैसे ना कैसे उनको परमिशन मिल गई लेकिन अंदर से उनका जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर इतनी नहीं है। तो जितने लोग भी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे बीएएमएस वाले हों, बीयूएमएस वाले हों या बीएचएमएस वाले हों, सभी इस बात का खास ख्याल रखें कि जो भी कॉलेज वो अपनी चॉइस फिलिंग में रख रहे हैं उसका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास होनी चाहिए, कितनी उसके अंदर फ़ीस है, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। पता लगा बाद में बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेने के बाद पछताते हैं। और एक बात का खास ख्याल रखें कि जिस भी कॉलेज को आप चूज़ कर रहे हैं चॉइस फिलिंग में, उसको एनसीआईएसएम से परमिशन मिली होनी चाहिए। अभी ये जो मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ ये पिछले साल की है, इसमें किस कॉलेज को परमिशन इस साल मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, इसका कोई भी कुछ नहीं कह सकता अभी, जब तक एनसीआईएसएम की तरफ से परफेक्ट लिस्ट नहीं आ जाती है। तो ये सिर्फ एक सैंपल के तौर पर है, ये वीडियो सिर्फ इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी जो प्राइवेट में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो ओपन है। ओपन का मतलब क्या होता है, आप पूरे इंडिया से कहीं के भी रहने वाले हों यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तब इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या तरीका होता है, कहाँ कहाँ से एडमिशन लेना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब मैंने बताया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो इस वीडियो को जो है पूरा आप देखें क्योंकि बहुत सारे डाउट्स ऐसे रहेंगे आप जो पूछेंगे। पहला यही कि इन कॉलेजेस को परमिशन मिल गई क्या, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एनसीआईएसएम का जो नोटिस है जिसमें वो बताएंगे किन किन कॉलेजेस को परमिशन मिली है इस साल, वो अभी नहीं आया है क्योंकि अभी जो काउंसिल जो इनका प्रोसेस है परमिशन देने का एनसीआईएसएम का वो चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। इसी वजह से अभी जो आयुष की काउंसलिंग है वो भी नहीं शुरू हुई है। तो अगर यूपी स्टेट कोटा की बात की जाए तो एक्सपेक्टेड है कि 15 अगस्त तक जो काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही अपडेटेड लिस्ट आएगी कॉलेजेस की, उनकी फ़ीस की, क्योंकि यहाँ पर जो मैं फ़ीस दिखाऊंगा कॉलेज वाइज और उनके अंदर कितनी सीट्स हैं वो भी वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है क्योंकि ये साल हर साल बाई साल बदलता रहता है, फ़ीस भी, उसके अंदर कितनी सीट्स हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है किसी कॉलेज को पिछले साल परमिशन मिली, इस साल उसको परमिशन ही ना मिले, ऐसा भी देखने को मिलता है प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा, और होने को तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी हो सकता है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें, जो भी कॉलेज आप चूज़ करें उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके अंदर कोई हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं है, उन सबको देख लें और उसके अलावा उस कॉलेज को परमिशन मिली है या नहीं वो ज़रूर चेक कर लें। अभी ये जो लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं ये पिछले साल की डेटा की बेस पे है ताकि आप लोग नीचे ना पूछें कमेंट बॉक्स में, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और इसमें फ़ीस ऊपर नीचे हो सकती है, किसी कॉलेज को परमिशन हो सकता है मिले या ना मिले, उसमें कॉलेज ऐड भी हो सकते हैं और इसमें डिक्रीज भी हो सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक डेटा के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि पिछले साल इतने कॉलेजेस थे, इनकी ये फ़ीस थी और इसके अंदर कितनी सीटें हर कॉलेज के अंदर थी, वो सब आपको इसमें मैं दिखा दूंगा। एक सैंपल के तौर पर आप रख सकते हैं कि हाँ, इन कॉलेज के आपको नज़र रखनी है ताकि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी कट ऑफ जो हाई रहती है, लेकिन यूपी एक ऐसा स्टेट है यहाँ पर बहुत सारी सीटें होने की वजह से, जैसे अभी मैं दिखाऊँगा नीचे 4700 प्लस सीट्स यहाँ पर हैं बीएएमएस के लिए, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी कम यहाँ पर कट ऑफ जाएगी। अगर क्वालिफाई से ऊपर जस्ट आपके मार्क्स हैं तब भी आपको सीट यहाँ पर यूपी के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाती है। तो ये एक बेटर ऑप्शन होता है उन सभी लोगों के लिए जो बॉर्डर पे हैं कहीं ना कहीं और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो चाहे बीएएमएस का हो, बीयूएमएस का हो या फिर बीएचएमएस का हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करेंगे, वो शुरुआत करेंगे बीएएमएस की, आयुर्वेदा यानी बीएएमएस की बात करेंगे यहाँ पर, और इनकी कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ, मतलब क्या फ़ीस थी पिछले साल और उनके अंदर कितनी सीट्स थी वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो है गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर जो इसकी फ़ीस थी वो थी 2,65,800 पिछले साल और इसके अंदर जो सीट्स थी वो 100 थी। और दूसरा कॉलेज शम्य घोसिया माइनॉरिटी पीजी कॉलेज, ये गाजीपुर में, इसकी जो फ़ीस थी 3,60,000 सीटें इसके अंदर हैं। अगला विवेक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा साइंसेज एंड हॉस्पिटल मुरादाबाद, इसकी जो अंदर सीट्स थी वो थी 100 और इसकी जो फ़ीस थी वो थी 2,50,000। आप ये सब देख लें तो सीट से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो है यहाँ पर फ़ीस ज़रूर देख लें। जितने भी कॉलेज हैं, श्री राम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज
मेरठ के अंदर 2,04,600 फीस थी पिछले साल। ज़्यादा वैसे फीस में वेरिएशन पिछले साल और इस साल के मुकाबले नहीं आएगा, तो आप सिर्फ कॉलेज को देख लें, उसकी लोकेशन देख लें, अपने हिसाब से जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको परख लें, तभी अपनी चॉइस फिलिंग में उसको रखें। और चॉइस फिलिंग से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, और जैसे ही अपडेट आएगा तब भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप सारे काउंसलिंग के प्रोसेस आपको बताऊंगा। आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगला जो है IMMT आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, ये मेरठ के अंदर, इसकी भी जो फीस है 2,40,200। धनवंतरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बरेली के अंदर 2,52,200। एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मिर्ज़ापुर के अंदर 2,30,600। इक्रोनाइट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज लखनऊ के अंदर 2,53,900 इसकी लास्ट ईयर फीस रही थी। अगला जो कॉलेज आता है वो है बाबू युवराज सिंह, ये लखनऊ के अंदर 2,04,600। प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 2,38,900 हाथरस के अंदर। श्री साई आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के अंदर 2,57,800। WTM आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज फतेहपुर पलोला अमरोहा के अंदर 2,51,000। संस्कृति आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मथुरा के अंदर 2,60,900। दून आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के अंदर 2,04,600। जीवन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 2,60,600 चंदौली के अंदर। और अगला जो कॉलेज आता है वो है प्रबुद्ध आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर, जिसकी फीस है 2,45,700। उसके बाद जो अगला BMS का कॉलेज प्राइवेट आता है UP के अंदर वो है चरक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मेरठ के अंदर 2,04,600। SPM हरिपुर गोंडा के अंदर 2,32,100 रुपये फीस थी। और SKS आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मथुरा के अंदर 2,59,800। बाबा विश्वनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के अंदर 2,04,600। और द्रोणाचार्य आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के अंदर 2,04,600। MD आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आगरा के अंदर 2,48,900। इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंसेज लखनऊ के अंदर 2,51,500 रुपये इसकी फ़ीस लास्ट ईयर रही थी। अगला जो कॉलेज आता है वो है जीवन ज्योति आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज लखनऊ अलीगढ़ यहाँ पर 2,54,200। फिर ईशान आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज नोएडा के अंदर 2,45,400। भारत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर के अंदर 2,25,000। श्री रामचंद्र वैद्य आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज लखनऊ के अंदर 2,58,700। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा लखनऊ के अंदर 2,55,700। GS आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हापुड़ के अंदर 2,59,700। और साथ में जो कितनी सीट्स है वो भी आप देख सकते हैं, हालांकि वो इतना मैटर आपके लिए नहीं करता, आप फीस वगैरह देख लें। मेजर SD सिंह फरुखाबाद के अंदर 2,59,700। रोहिलखंड आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बरेली 2,04,600। ITM आयुर्वेद महाराजगंज के अंदर 2,04,600। RK आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के अंदर 2,30,800। आगरपली आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज उन्नाव के अंदर 2,04,600। दिव्य ज्योति आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज गाज़ियाबाद के अंदर 2,60,600 इसकी फ़ीस रही पिछले साल। और फिर आता है बापू आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लंदन लाडनपुर मऊ के अंदर 2,48,000 इसकी फ़ीस रही। वैद्यत बुलंदशहर के अंदर 2,59,100। RB आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आगरा 2,52,400। कलावती आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कासगंज के अंदर 2,35,700। अलीगढ़ यूनानी एंड आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के अंदर 2,60,000। विश्वालिक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के अंदर 2,55,800 इसकी लास्ट ईयर फीस रही थी। उसके बाद जो अगला आता है वो है SAS आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज वाराणसी 2,55,500। फिर श्री कृष्ण आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी के अंदर 2,69,800। महावीर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेरठ के अंदर 2,04,600। डॉक्टर कृष्ण गोपाल झांसी के अंदर 2,04,600। CS आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एटा के अंदर 2,04,600। भारतीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अमरोहा के अंदर 2,59,300 लास्ट ईयर इसकी फ़ीस रही। राजीव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अमरोहा 2,50,900। श्री बाबू सिंह रद्द जी फरुखाबाद के अंदर 2,52,900। प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कॉलेज साइंसेस ये बुलंदशहर के अंदर 2,60,500। राम आयुर्वेद कॉलेज कानपुर के अंदर 2,04,600। श्री सत्य आयुर्वेद मुरादाबाद 2,04,600। गंगाश्री आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बरेली के अंदर 2,70,600। कृतिका आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बरेली के अंदर 2,04,600। नेमीनाथ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज आगरा के अंदर 2,04,600। श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज फरुखाबाद 2,28,800। उसके बाद जो आता है भगवंत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड भगवंत हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर के अंदर, उसकी फ़ीस है 2,04,600। फिर उसके बाद गोयल आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, इसकी फ़ीस यहाँ नहीं दी है।
और फिर आता है SRS आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज 204,600, विमला फैमिली आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज इसकी भी प्रोग्रेस में थी, चंद्रशेखर सिंह 259,000। तो यहाँ पर अगर देखें तो टोटल 4,720 सीट्स जो है आपकी किसकी हैं, BAMS की हैं लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से। अब इसमें देखना होगा इसमें किन कॉलेजेस को परमिशन मिल जाती है, कितने ऐड होते हैं, कितनी सीट्स बढ़ती हैं या घटती हैं, वो डिपेंड करेगा NCISM किस कॉलेजेस को कितने सीट्स के लिए परमिशन देती है, तो यहाँ पर वेरिएशन जो है आ सकता है। मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, ये था प्राइवेट BAMS के लिए। अब आपको मैं बता देता हूँ जो है प्राइवेट BHMS के लिए, तो यहाँ पर टोटल UP के अंदर सिर्फ दो ही कॉलेज हैं BHMS के, एक है बैक्स होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जिनको लास्ट ईयर परमिशन मिली थी गौतम बुद्ध नगर के अंदर, 100 सीटों पर फीस है 2,50,000, और नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आगरा के अंदर 1,50,000 जो इसकी फ़ीस थी। अब इस बार देखना होगा इनमें सीट्स में इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है, वो देखना होगा इस बार। अब अगला आता है यूनानी यानी BUMS के बारे में, अगर देखा जाए यूपी के अंदर कितनी कॉलेजेस हैं, उनकी सीट्स और क्या फ़ीस है, तो पहला आता है इब्ने सीना तिब्बिया कॉलेज, यह है आजमगढ़ के अंदर, इसकी जो फ़ीस थी लास्ट ईयर 50 सीटें हैं इसके अंदर, 2,00,000 फ़ीस थी। जामिया तिब्बिया देवबंद सहारनपुर के अंदर 2,04,000, देवबंद यूनानी सहारनपुर के अंदर 2,04,000 इसकी फ़ीस लास्ट ईयर रही थी। अगला आता है अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर के अंदर, इसकी फ़ीस भी 2,04,000 थी। शामे गोसिया माइनॉरिटी गाज़ीपुर के अंदर 1,98,000, इरम यूनानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ के अंदर 2,64,000, डॉक्टर अब्दुल अली तिब्बिया कॉलेज ये 1,99,000, गौसिया यूनानी मेडिकल कॉलेज 2,04,000, और उसके बाद जो आता है हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर 2,04,600, फिर अलीगढ़ यूनानी आयुर्वेद 2,25,000 इसकी फ़ीस। तो टोटल 560 सीटें जो है BUMS के लिए प्राइवेट कॉलेजेस की यूपी के अंदर हैं। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं, पूरे इंडिया से कहीं से भी रहने वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जो है हर कॉलेज की खुद से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लें अप्लाई करने से पहले। ये सिर्फ इसलिए मैंने वीडियो बनाई ताकि उन लोगों को पता लग जाए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिन यूपी के अंदर हैं, ताकि वो उसके हिसाब से अपना आप प्रत्येक कॉलेज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें और फिर उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करें। इसके बाद जैसे जैसे अपडेट आएगा काउंसलिंग का, मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। उसके बाद आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।